हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त मिलेगा और कंपटीशन की दुनिया में मैथ का सबसे खतरनाक कंसेप्ट आपके सामने है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ केवल दो ही टाइप से सॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पहला कंसेप्ट इधर जिस संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा, और दूसरा कंसेप्ट इधर संख्या पर ही मल्टीपल या रेशो परसेंट के रूप में चलता है। तो इन दोनों में कोई से भी किसी भी एक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये वाला कंसेप्ट लगता है या ये। लेकिन जहाँ तक हमने इसका टोटल सर्च किया है तो इसमें 90% ये वाला कंसेप्ट लगता है, संख्या के बराबर रेशो या परसेंट। इसके बाद 10% में ये चलेगा, और इन्हीं दोनों से दुनिया का जो कंपटीशन से रिलेटेड मैथ्स है उन सभी के क्वेश्चनों का सोल्यूशन इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं और खतरनाक अंदाज में क्वेश्चनों का सोल्यूशन करते हैं। चैप्टर नंबर 11 डिस्काउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। 52वां क्वेश्चन, यदि दुकानदार अपनी सामग्री जो बेचने की सामग्री होती है, सामग्री में बहुत सारे आइटम एडजस्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं सामग्री। तो सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से जितने में वह उसने खरीदी है दुकानदार ने, उससे 30% अधिक उन पर प्रिंट कर देता है, अंकित मूल्य छाप देता है। तो ये बात हमने समझ ली है, इसको ऐसे लिखेंगे, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो उस पर प्रिंट कर दिया उसने 30% अधिक, तो अंकित वैल्यू हो गई उसकी 130। क्लियर यहाँ तक? देख लीजिए, इसके बाद उसने बताया है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है इस पर। तो अंकित पर अगर 10% की छूट दी जाती है तो 90% में उसको बेचा जाता है। तो देखिए, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 13 × 9 = 117, मतलब 117 में बेचा जाता है। जब 117 में बेचा जाता है तो उसको लाभ कितना होता है 100 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 117 है तो हम कह सकते हैं उसे 17% का लाभ होता है। यहाँ देख लीजिए, 17% का लाभ होता है उसको, ये देख लीजिए, 100 से 117 में बेच रहा है, 17% का लाभ, और 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब इस पर भी और, ये 17% का तो लाभ है ही यही है, बट 6.5% और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे, तो इस लाभ में ये वाला जोड़ेंगे तो कितना लाभ प्राप्त करना चाहता है, 17.5 जोड़ेंगे 17.5 = 23%। तो 23.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए हम कहेंगे 23.5%, क्योंकि 17 का लाभ यहाँ है और 6.5 ये और अधिक इच्छा कर रहा है, तो 23.5% का लाभ चाह रहा है। तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए जिससे कि उसे 23.5% का लाभ प्राप्त हो जाए? तो देखिए, 23.5% का लाभ तभी होगा जब वह 123 में बेचेगा। देख लीजिए यहाँ से ध्यान से, 123 में बेचेगा, बस ये देख लीजिए, 123 में ये उसका विक्रय मूल्य होगा, क्रय के अकॉर्डिंग विक्रय कर रहा है, तो यहीं से हमें लाभ का मालूम होता है। और देखिए, जब वह उसको 123 में बेच रहा है तो उसने अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी, कितने परसेंट की छूट दी, ये हमें बताना है। देखिए, 130 जो अंकित मूल्य है वस्तु का, उस पर वह 123 रुपये में अगर बेचता है तो उसने कितने रुपये की छूट दी, ये हम देखेंगे। ये उसने 6.5 की छूट दी, परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से हमें छूट परसेंट मालूम हो जाएगी। देखिए, ज़बरदस्त सॉल्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं, 1 जीरो से 1 दशमलव मैंने हटाया और इस 1 जीरो से 1 जीरो, 13 × 65, तो 5% की उसने छूट दी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। देखो, बहुत अच्छा तरीका है, आप आराम से कर सकते हो, और ये इक्वल टू इक्वल फॉर्म में माना जाता है, क्योंकि बटे में जाकर काट दीजिए, बराबर में रख कर काट दीजिए, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18% की छूट के बाद, देखिए, किसी मेज पर
दुकानदार ने छूट दी 18% की, तो इसका मतलब उसने उसे 82% में बेचा। देखिए 82% में उसने उसे बेचा, तो विक्रय बराबर विक्रय, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। देखिए परसेंट में तो बेच रहा है 82, अब संख्या में बेच रहा है वो उसको 18,860 रुपये में बेच रहा है। चलिए देख लीजिए, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60 और ये परसेंट में 100, ये है छोटा रेशो बनाएंगे 20 30 60 20 50 100, क्लियर। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब देख लीजिए, बिल्कुल ईजी है, परसेंट की मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाई। अब आप देखिए, ये मैंने इससे 23 बार काटा, 23 बार कट जाएगा, 82 और 23 का मल्टीपल करेंगे यही आता है, और 3 जीरो ये लगेगी, तो आ गया 30,000 रुपये। तो ये अंकित मूल्य पर ही छूट देकर तब बेचा जाता है, तो ये अंकित मूल्य आ गया 23,000, और यहाँ रेशो में हमारा है 5 और यहाँ संख्या में दे दिया 23,000। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, फिर इक्वल टू इक्वल ही हो गया। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए 5 चौक 20 5 36 2 जीरो, अब इसमें गुणा कर दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा 1 2 3 6 18 3 6 12 और 1 13 13,800 रुपया। देखिए क्रय मूल्य था 13,800 रुपया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये वाला, यही हमारा इजी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्वेश्चन नंबर 54, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा सुंदर और आसान तरीके से आपको मिलेगा। चलिए देख लीजिए, एक व्यापारी लागत मूल्य से, लागत मूल्य जिसको हम क्रय मूल्य का रूप भी कहते हैं, एक व्यापारी लागत मूल्य से, लागत मूल्य हो गया 100 और इस लागत मूल्य से 40% से ऊपर अपना माल चिन्हित करता है। चिन्हित का मतलब MRP, अंकित मूल्य, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या अंकित मूल्य कह सकते हैं या मार्क प्राइस कह सकते हैं, तो इससे 40% अधिक छाप देता है उस पर, यानी कि अंकित मूल्य बना देता है उसका 140, क्लियर। देखो पहली लाइन मैंने यहाँ तक क्लियर कर दी, इसको लिखकर यह है 70% माल चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है, इसको इसको यानी कि इसको 70% माल, मतलब इसका 70% माल चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है। देखें 100 अगर कोई माल हमारा 100% है, तो 100% में से 70% माल को इस रेट पर बेचा जाता है चिन्हित मूल्य पर। चिन्हित मूल्य यह है 70% माल का 70% चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है। चलिए बेच देंगे यहाँ पर, परसेंट से मैंने 2 जीरो 14 7 98 98 में बेच दिया। देखो यहाँ तक लाइन क्लियर, आगे बढ़ेंगे और बाकी हिस्सा, माल का बाकी हिस्सा 30% है, वह चिन्हित मूल्य पर 40 की छूट देकर बेचा गया। देखिए चिन्हित मूल्य कितना हमारा 140, इस पर 40 की छूट दे दो, 60% में बेचा जाएगा, और कितना माल बेचा जाएगा, बाकी हिस्सा, बाकी हिस्सा कितना है 30% है 70 से बचा हुआ। देखो 100 में से 70 यहाँ, बाकी 30% ये बेचा गया। चलिए बेच लेते हैं, परसेंट से मैंने इससे ये 2 जीरो काटा और परसेंट से 1 जीरो काटा और बटे में 1 10, क्लियर। अब यहाँ पर मैं गुणा करूँगा, देखो 3 6 18 18 चौक 72 हासिल 7 18 और 7 18 और 7 25 और 10 से भाग करूँगा यहाँ पर, इतने में बेचा उसने। तो देखिए टोटल माल उसने कितने में बेचा, इसको जोड़ लेंगे 0.2 8 और 5 13 हासिल 1 10 2 12 123.2 में बेचा। देखिए 100 की चीज़ उसने बेच दी इतने में, तो उसको लाभ हुआ है 23.2 का,
देखिए लाभ परसेंट मिलेगा उसको 23.2% का, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चेक कर लीजिए आप। देखो एक एक वर्ड, एक एक अक्षर आप अगर क्लियर कर लेते हैं, मैं तो आपके लिए इजी आसान हो जाता है। और ऐसे CGL में, CPO में, CHSL में, MTS में कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आसान कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए बिल्कुल छोटे स्टाइल में, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। एक डीलर किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य हो गया हमारा 100, और इसको 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, 140 कर दिया उसने, क्लियर। देखो पहली लाइन ही यहाँ तक क्लियर हो गई, चेक कर लीजिए आप। और उसे उसके बाजार मूल्य पर 5% छूट देकर, देखिए ये बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य भी कह देते हैं इसको, अंकित मूल्य को, MRP को, इसको बाजार मूल्य, ये बाजार मूल्य इसी के लिए कहा गया। और उसे उसके बाजार मूल्य पर 5% की छूट, इस पर 5 की छूट देगा, 95% में बेचेगा, देकर बेचता है। चलिए देख लीजिए, 0 से 0 काटा मैंने, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 19 और 2 × 7 = 14, 19 × 7 = 133% में बेच रहा। और देखो यहाँ तक आ गया हमारा क्लियर, देखकर। और 124 रुपये की नगद छूट देता है इसी पर, फिर 124 रुपये की नगद छूट देता है छूट, और यदि वह अभी भी 25% का लाभ अर्जित करता है, अभी भी 100 में जोड़ कर लिखेंगे 25% का लाभ, यानी कि 125% का लाभ अर्जित करता है। देखिए इसको हल करेंगे, बड़ा आसान है ये हमारे लिए। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना, तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा, इसको हल कर लीजिए। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में तो आप जानते ही हैं सभी चीज़ें बनती हैं। तो देखिए 133 में से 125 इधर घटाएंगे तो 8% बराबर हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा 124, तो 8% बराबर है 124, 8% के बराबर रुपया है 124, तो हमें बताना है वस्तु का अंकित मूल्य। तो 140% ये है अंकित मूल्य हमारा, 140% इधर लिख लेंगे, 140% के बराबर कितना रुपया होगा, यानी 140% के बराबर अंकित मूल्य मालूम हो जाएगा कितने रुपये होता है। देखो इक्वल टू इक्वल यहाँ पर भी बन गया, तो मैंने परसेंट से परसेंट को काटा, और 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 2 × 7 = 14, 70 बार काटा, 10 ये लगेगी, 7 × 7 = 21, 2170 आ गया अंकित मूल्य, आ गया 2170। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। देख लीजिए बहुत ही सरल और आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन बड़ा आसान मिलेगा। आप देख सकते हैं एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपये में खरीदा गया, इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया जाता है, और इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो स्मार्ट टीवी पर लाभ परसेंट बताएं। देखिए जब लाभ या हानि परसेंट में पूछ रहा है, और इसकी वैल्यू जो है अंकित मूल्य छूट वगैरह भी परसेंट में दी गई है, तो क्वेश्चन को परसेंट से ही स्टार्ट करते हैं, न कि रुपये से। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए उसका अगर क्रय मूल्य 100 था, बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे, क्रय मूल्य 100 था स्मार्ट टीवी का, और इसके मूल्य को मैंने 30% अधिक अंकित कर दिया इसको। देखिए अब आ गया सवाल, बिल्कुल इजी, अंकित कर दिया यानी कि MRP बना दिया उसका, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या बाजार मूल्य बना दिया,
कितना 30% अधिक, 100 में 30 जोड़ कर लिखेंगे 130 बना के दिया। अब उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 130 हो गया, और इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेच दिया। इसको अंकित मूल्य का 15% की छूट है, 85% में उसने बेचा। चलिए बेच देंगे, देखो 10 से 10 और 13 85 की गुणा करेंगे, 13 5 65 6 13 108 4 6 110, फिर 10 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये, मतलब उसने उसको 110 रुपये 50 पैसे में बेचा। तो देखिए 100 से ये कितना अधिक है, अगर क्रय इतना है और विक्रय इतना है तो लाभ हो रहा है कितने का, 10.5 का। तो उसका लाभ परसेंट मुझे मालूम हो गया है कि उसे लाभ हुआ 10.5% का। चलिए देख लीजिए आंसर आ गया है, बड़ा सरल और आसान आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा, देख लीजिए बिल्कुल ईजी। और आपके लिए मैथ कभी भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा, हमारा एक ही टारगेट है कि आपको मैथ में बेस्ट बनाना, सॉलिड बनाना, बेस्ट बिल्कुल टॉप रैंक पर लाना, यही टारगेट है। इसीलिए हम आपको सिर्फ एक ही मेथड से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही आपके एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको सिखाएंगे और आपको मैथ की दुनिया का बेताज बादशाह और खतरनाक बनाएंगे, बेस्ट बिल्कुल टॉप रैंक वाला स्टूडेंट। क्या एग्ज़ाम में जाते ही क्वेश्चनों की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर देंगे आप, अगर आप ये हमारा कंसेप्ट सीख लें, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल ये वाला कंसेप्ट सीख लें, तो आपके लिए मैथ इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, फिर आपके लिए मैथ की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है ये क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनके माइंड में क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग नहीं आ पाता, टैग्स हम बोलते हैं जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड डिफ़िकल्ट पॉइंट देता है, उलझाने वाले पॉइंट देता है, उसको हम टैग्स कहते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से क्वेश्चन इजी हो जाता है अगर आप इसको समझें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद, देखिए अंकित मूल्य, अगर हम देखें अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो वह उसको 88% में बेचेगा। देखिए अंकित मूल्य पर 12 की छूट है तो 88% में बेच रहा है और प्रत्येक खिलौने को वह 264 रुपये में बेचता है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, इधर 12% की छूट बराबर देने के बाद उसने 88% में बेचा, इधर 264 रुपये में बेचा, तो यहाँ से विक्रय बराबर विक्रय करेंगे तो यहाँ पर हमारा खिलौने का अंकित मूल्य आ जाएगा ये। तो देखिए 8 के 24 88 से 3 बार कटाइए, परसेंट की 20, इसका मतलब ये 300 रुपये जो है ये खिलौने का अंकित मूल्य है, खिलौने का अंकित मूल्य है ये 300 रुपये, खिलौने का अंकित मूल्य है। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, अब देखिए खिलौने के अंकित मूल्य पर कह रहा है कि अगर मैं इस पर कोई छूट नहीं देता तो इसका मतलब वह इसको 300 में ही बेचेगा, 300 रुपये में ही बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ होगा। तो देखिए अगर वह इसे 300 रुपये में बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% के लाभ को हम 6/5 भी लिख सकते हैं, और लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ये लिख लिया। यहाँ पर मैंने क्रय मूल्य इसलिए लिखा क्योंकि लाभ हानि क्रय मूल्य पर होता है, तो जब वह 300 रुपये में बेच रहा है तो क्रय पर लाभ होता है, तो मैंने इसको डिवाइड किया 6 5 30 50 बार डिवाइड किया, 50 5 250, तो खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो 250 रुपये है, ये मुझे मालूम हो गया। देखिए खिलौने का क्रय मूल्य 250 रुपये है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, यदि किसी खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम हो जाता, अब इसका ये क्रय मूल्य है ना खिलौने का, इसको 20% कम करेंगे, ये वाला पॉइंट यूज करेंगे, देखो 250 का 20% कम 80% हो जाता है, अब उसका क्रय मूल्य 80% रह गया, 20% कम हो गया तो 80 रह गया, और वह अभी भी पहले जितना लाभ अर्जित करना चाहता है इस पर, तो वह इसको बेचेगा
और पहले जितना लाभ कितना है 20% का लाभ चाहता है तो 120% में वह इसको बेचेगा। तो इसका विक्रय मूल्य पूछा है, तो बताइए इस खिलौने को कितने रुपए में बेचना चाहिए। बस यहाँ से इसको हल कर लेंगे। देखो 20 × 6 = 120, 5 = 100 और 50 × 5 = 250, 50 × 2 = 100 और 5 × 2 = 10 से मैंने ये जीरो काटे, क्लियर। और 5 × 8 = 40 और 4 × 6 = 24, 240। देखिए 240 रुपये में वह इसको बेचेगा, गुणा कर लेंगे 5 × 8 = 40 और 40 × 6 = 240। 240 रुपये में वह इसको बेचेगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए आप, बहुत ही सिंपल और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट और लैंग्वेज का यूज करके बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए क्वेश्चन नंबर 58, एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। देखिए लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, 120 कर देता है उसकी कीमत, और खरीदार को कह देता है कि नगद भुगतान पर 10 की छूट देंगे हम, तो उसने उसे 10 की छूट दे दी। जब एक खरीदार नगद भुगतान करता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? अब देखिए कितने परसेंट का लाभ होगा, परसेंट से मैंने दो जीरो काटी, 12 × 9 = 108, 100 से कितना ज़्यादा है ये, 100 से ज़्यादा है ये 8, तो 8% का लाभ होगा उसको। देखिए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने 8% का लाभ होगा उसको, ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए है हमारे क्वेश्चन का आंसर, चेक कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही सरल, एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है अपने माल को, ये रहा। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20 की छूट देता है, इस पर अंकित मूल्य पर 20 की छूट देता है तो 80% में बेचता है, चलिए बेच दीजिए, परसेंट से दो जीरो, 12 × 8 = 96, 100 से कितना कम है 4, तो 4% का उसे लॉस होगा यानी कि हानि होगी, तो उसे कितना परसेंट लाभ या हानि होती है, तो उसको हानि होती है 4% की, ऑप्शन ए ये रहा, ऑप्शन ए 4% की हानि होगी उसको। क्वेश्चन नंबर 60, देखो क्वेश्चन नंबर 60, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक पर मूल्य अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य 100 और अंकित मूल्य कर लिया उसने 180, क्लियर, 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है, तो 52% में बेचेगा उसको। देखिए जब 48% की छूट देता है तो 52% में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 18 × 52 की गुणा करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, 18 × 2 = 36, 3, 18 × 5 = 90, 3 × 93 = 93 और 10 से भाग करेंगे ये, तो वह इतने में बेच देता है उसको, तो उसको हानि होती है। 100 के अकॉर्डिंग अगर देखें, 100 में से 93 घटाएंगे 7 और 7 में से 0.6 घटाएंगे तो 6.4% की उसको हानि होती है। अब इस 6.4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए 6 × 4 = 10, ये ऐसे 10 × 4 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, मतलब 6 × 2 = 5%, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी, चेक कर लीजिए ऑप्शन डी, तो उसको हानि होगी, ये 6 × 2 = 5% की हानि होगी। देखिए बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर है, एक एक स्टेप कैसे कैसे आया ये सब मालूम हो जाता है आपको, सब मालूम हो जाता है आपको, एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड कैसे आता है आपके सामने, यही तो है बस आपके लिए ज़बरदस्त गेम, और इसको सीख लीजिए आप, बन जाइए हीरो। तो ये वाला क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड है, देख लीजिए, एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है, ठीक है, तो अंकित मूल्य पर छूट दी 20 की, तो 80% में बेचता है और फिर भी उसे 30% का लाभ होता है, लाभ क्रय मूल्य पर होता है, आपको मालूम है लाभ यानी क्रय मूल्य पर होता है, तो 30 का लाभ होता है 130। अब यहाँ से मैं क्रय और अंकित मूल्य की अलग अलग डिटेल निकाल लूँगा,
परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, बराबर का मान अपना, तो हम लिख सकते हैं अंकित मूल्य 13 के रेशो में आ गया और क्रय मूल्य हो गया बराबर का मान अपना ये 8। क्लियर। अब वह उसी मेज को 10% की छूट पर बेचता है, यानी कि इसको अब इस पर 10 की छूट हो गया तो ये 90% में बेचेगा उसको। क्लियर है। 13 नम्बर 117 ये जीरो और परसेंट, परसेंट से भाग करेंगे दो अंक छोड़कर दशमलव, 11.7, मतलब 11.7 में वह उसको बेचता है। क्लियर। तो खरीदा उसने 8 का, बेच रहा 11.7 में, तो उसको लाभ होता है, तो उसका नया लाभ परसेंट बताना। देखिए 8 की चीज़ खरीद कर बेच रहा है 3.7 के लाभ पर, 8 × 3 = 11 हो गया, 3.7 के लाभ पर 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये तो उसको लाभ परसेंट होगा। बस ख़त्म। देखिए जीरो से मैंने दशमलव हटाया, ये हो गया 370/8%, तो 8 × 32 5 होगा 50, 8 × 6 = 48, देखिए 40 पॉइंट कुछ आएगा, 40 ये रहा ऑप्शन ए, 40.25% का उसे लाभ होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर।